मेरे लिए एक ऑनर है एज ए हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट, मेरे लिए गौरव की बात है। जहां काफ़ी लेजेंड पैदा हुए हैं इंडियन हॉकी से और अब उड़ीसा में बैक टू बैक सेकेंड टाइम 2 महीनों में वर्ल्ड कप होने जा रहा है, भुवनेश्वर और राउरकेला। और कल हम सब ने देखा ओपनिंग सेरेमनी, फैंटास्टिक। 4 to 5 hours स्टेडियम हॉकी 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 से गूंज रहा था, लोगों ने सपोर्ट के लिए। FIS को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, यहाँ पे वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यहाँ पे सब आए हुए हैं। उसके साथ साथ हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय श्री नवीन पटनायक जी, उनके सपोर्ट के लिए और उड़ीसा वासियों को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जिस एरिया से मैं आता हूँ सुंदरगढ़, और हॉकी काफ़ी क्रेज है, काफ़ी पॉपुलर हुआ है। बच्चे 6-7 स्टैंडर्ड से हॉकी खेलना शुरू करते हैं, और कंट्री साइड हॉकी है, काफ़ी पॉपुलर है वहाँ। होल ईयर अपने एरियाज में, अपने विलेजेस में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और एंजॉय करते हैं। उनके कल्चर में हॉकी है, और आप देख रहे हैं, आप वहीं से जितने भी खिलाड़ी आगे बढ़े हैं, देश के लिए, राष्ट्र के लिए खेले हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक्स खेले हैं, वही रूरल हॉकी से, कंट्री साइड हॉकी से खेल के आगे बढ़े हैं। और आज देखिए उड़ीसा में हॉकी का इतना क्रेज, इतना पॉपुलर हम देख पा रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है उड़ीसा गवर्नमेंट का, हमारे जो मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री पटनायक जी, और 3 एरियाज में काम करें। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। गर्व के साथ मैं कहना चाहूँगा, वर्ल्ड के जो 2 बेस्ट स्टेडियम हैं जो उड़ीसा में है, कलिंगा हॉकी स्टेडियम 15,000 कैपेसिटी एंड अनदर वन बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो कि 20,000 सीटेड कैपेसिटी स्टेडियम, अमेरिका वर्ल्ड के लार्जेस्ट सिटिंग कैपेसिटी हॉकी स्टेडियम। सेकेंड रहा चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज, जो वर्ल्ड कप और भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जब तक हम वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज करेंगे, लोगों में क्रेज नहीं आएगा, लोगों समझ नहीं पाएंगे, हॉकी का पॉपुलर नहीं होगा, इसलिए वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसके साथ अभी ग्रास रूट जो हमारा हॉस्टल एकेडमिक्स हैं, कोचिंग प्रोग्राम को हम लोग स्ट्रेंथनिंग करने जा रहे हैं। और आज देखिए हॉकी सिर्फ उड़ीसा नहीं पर भारत में हॉकी काफ़ी पॉपुलर हो गया, और इसकी वजह उड़ीसा गवर्नमेंट, हमारे मुख्यमंत्री, और इसलिए हमें काफ़ी गर्व महसूस होता है। वर्ल्ड हॉकी में जब टूर्नामेंट की बात करें, चैंपियनशिप की बात करें, तो वर्ल्ड कप बहुत इम्पॉर्टेंट, काफ़ी मेजर टूर्नामेंट में आता है, और मुझे भी काफ़ी एक्साइटेड था, काफ़ी गर्व महसूस कर रहा था। पहला वर्ल्ड कप जब मैंने खेला 1998 में यूटेस हॉलैंड में, सो जितने भी हमारे यूथ खिलाड़ी हैं जिस फर्स्ट वर्ल्ड कप आप खेल रहे होंगे, वो भी भुवनेश्वर एवं राउरकेला वर्ल्ड के बेस्ट स्टेडियम खेल रहे हैं, बेस्ट क्राउड के सामने खेलने जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट। हम चाहेंगे डेफिनेटली कि इंडिया जितना चाहिए, लेकिन वर्ल्ड हॉकी को हम समझ रहे हैं, वर्ल्ड हॉकी में जैसे हमारे बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, जर्मनी, इंडिया टॉप टीम्स हैं। और खुशी की बात ये है कि हमारे इंडियन टीम
अब टॉप टीम्स में आ गया है, कैपेसिटी है, हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, हमारे खिलाड़ी में कॉन्फिडेंस है, एग्रेसिव हॉकी खेल रहे हैं, डिफेंस में अच्छा कर रहे हैं, गोलकीपर अच्छे हैं, डायरेक्टली हमारे पास अच्छे हैं, हरमनप्रीत अच्छा डायरेक्टली कर रहे हैं। सो मैच टू मैच फोकस करके अच्छे खेलना चाहिए। मेरी ओर से इंडियन हॉकी टीम को ऑल द बेस्ट।